यूपी के रायबरेली से समय की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही। महिला पहलवानों के मामले पर संयुक्त किसान मोर्चा अपने सहयोगी संगठनों के साथ किया धरना प्रदर्शन। विकास भवन से कलेक्ट्रेट डीएम ऑफिस तक निकाला गया पैदल मार्च। सांसद ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई की गई मांग। भाजपा की मोदी सरकार के खिलाफ की गई जमकर नारेबाजी। आपको बता दें कि जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित किया गया ज्ञापन। इस समय की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। महिला पहलवानों के मामले पर संयुक्त किसान अपने सहयोगियों संगठनों के साथ किया धरना प्रदर्शन। वहीं सांसद ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई की है मांग। वहीं तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से की जा रही है नारेबाजी। वहीं आइए जानते हैं प्रदेश अध्यक्ष स्वराज अभियान की अर्जुना श्रीवास्तव ने क्या कहा। मांग कर रहे और ये हम इसीलिए आज यहाँ पर आए। देखिए अभी तक इसमें किसान आंदोलन नहीं कूदा था। लड़कियां हमारी बहन बेटियां हैं, सब किसान भाई बहनों की। अब संयुक्त किसान मोर्चा ने जिस तरह से कल वहां पे नरेश टिकैत पहुंचे हैं और उन्होंने मेडल फेंकने से बहाने से लड़कियों को रोका है और उन्होंने कहा है कि हम 5 दिन का समय दीजिए, हम आपके इस जो अन्याय आपके साथ हो रहा है उसका हम विरोध करेंगे। तो ये लड़ाई अब एक नए सिरे से नई दिशा में चल रही है। हम इसको दे इस अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे। महिलाओं की अस्मिता की बात है, इस पे हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और ये लड़ाई अब अलग तरह का संघर्ष जिसको अब किसान भाई हमारे यहाँ आए हुए हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के सभी संगठन घटक यहाँ अधिकतर आए हुए हैं और ये सब हमारी लड़ाई है, ये पूरे देश की लड़ाई है, बन चुकी है, इसलिए ये नई दिशा में अब जाएगी। हाँ जी, ज्ञापन देना है।